एक भगवान का नाम, एक राम नाम, एक कृष्ण नाम, एक शिव नाम, एक जगत जननी जगदम्बा का नाम, एक आदि शक्ति का नाम, अपने भीतर में हो। और फिर जब उस परमात्मा का नाम हम इस हृदय चित्त से लेंगे, उस परमात्मा के नाम में जब हम डूबेंगे तो उसका आनंद भी तो बहुत होगा, उसका एक लक्ष्य तत्व भी तो बहुत होगा। महाराज, कल जब हम यहां पहुंचे तो नीचे किसी से मिलना हुआ, जब ऊपर ठहरे उसके बाद नीचे हम जब आए जाने के लिए कहीं, तो हमने पूछा कथा हो रही है आपके यहाँ, तो कहा हाँ गुरु जी, भगवान की बड़ी कृपा है, विश्वनाथ शंभू की, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर की बड़ी करुणा है। किस लिए श्रवण करना चाहते हो, कथा क्यों सुनना चाहते हो, क्या कारण है कथा सुनने का? तो कि गुरु जी कथा सुनेंगे तो स्वर्ग मिलेगा। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, आप स्वर्ग जाएंगे ना जाएंगे इसका कोई गारंटी नहीं है, हम स्वर्ग जाएंगे ना जाएंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है? पर इतना विश्वास जरूर है कि आप अगर भगवान शंकर का अनुमोदन कर रहे हैं, आप शिव नाम की चर्चा कर रहे हैं, आप शंकर की कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप शंकर की कथा में डूबे हुए हैं, आप आदिशक्ति के नवरात्रे में शंकर का अनुमोदन कर रहे हैं, आप शिव अर्चना कर रहे हैं, आप शंकर का नाम जाप कर रहे हैं, आप शंकर का स्मरण कर रहे हैं, तो यह पक्का है कि आप वैकुंठ जाएंगे ना जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, पर यह पक्का है कि आप अगर भगवान के नाम में डूबे रहे तो वैकुंठ अधिपति नारायण तुम्हारे पास जरूर आ जाएगा, यह पक्का है महाराज। आप जाएंगे ना जाएंगे उसके कोई बात नहीं है, पर भगवान स्वतः नारायण स्वतः अपने पास आ जाए इसका सुख है, इसका एक आनंद। तो हम दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, या हम कोई सत्कर्म कर रहे हैं, या हम कुछ भगवान के निमित्त हम ये सोच कर दे रहे हैं कि हम दान करेंगे तो ऐसा होगा, हमें स्वर्ग मिल जाएगा। नहीं नहीं, हमें स्वर्ग जाने की चाह तो छोड़ देना चाहिए, कहा करूं मैं वैकुंठ के जाए, मैं वैकुंठ जाकर करूंगा क्या? वैकुंठ की चाह इस मन को नहीं होना चाहिए, मन को तो यह चाह होना चाहिए कि मैं भगवान का इतना भजन कर लूं कि वैकुंठ का नाथ, वैकुंठ अधिपति स्वयं नारायण, कैलाश पर रहने वाले मेरे शंकर, द्वारका में रहने वाला मेरा कृष्ण, गौलोक में निवास करने वाला मेरा परमात्मा स्वतः दौड़कर मेरे पास आ जाए। और उस परमात्मा को पाने के लिए महाराज केवल एक नाम का था। तो वैकुंठ आप जाएं या हम जाएं इसका कोई पक्का भरोसा या विश्वास नहीं, कोई ने लिख के भी नहीं दिया तुमको, और जो गए उनसे पूछ भी नहीं सकते कि तुम वैकुंठ में हो कि और कहीं हो, कि किसी ने फोन लगाया था गए हुए व्यक्ति को कि तुम कहाँ वैकुंठ में बैठे हो कि कहाँ हो, तो कोई बताने वाला भी नहीं है कि वैकुंठ गया कि नहीं गया, ये कुछ बोल भी नहीं सकते। पर एक बात और है महाराज, एक बात और अग्नि पुराण में कहा है कि किसी के प्राण छूटने के बाद अगर दुनिया के लोग जब उसको लेकर जा रहे हो, दुनिया के लोग उसको लेकर जाते समय दुनिया के लोग अगर बात कर रहे हो कि हाँ बहुत अच्छा था, सब भगवत भजन में डूबने वाला था, स्मरण करने वाला था, दान करने वाला था, पुण्य करने वाला था, सत्कर्म करने वाला था, भगवान की भक्ति में डूबने वाला था, अच्छा व्यक्ति था, तो अग्नि पुराण कहती है ये मान लो कि वो जीव ने वैकुंठ का भाग ग्रहण कर लिया, वो वैकुंठ चला गया। और अगर किसी के जाने के बाद लोग कह रहे हैं अरे अरे भैया अच्छा हुआ मर गया, बहुत प्राण खाता था, बहुत तकलीफ देता था, बहुत कष्ट देता था, बहुत परेशान करता था, बहुत दुख देता था, तो समझो कि हाँ भैया वो फिर नरक ही गया होगा, क्योंकि वो दुनिया को भी कष्ट देता है, वो दुनिया को भी कष्ट प्रदान कर रहा होता। उसकी चित्तवृत्ति में, उसके मन में ये आ जाता है कि मैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वैकुंठ जाना चाहता हूं, तो शिव महापुराण की कथा कर रही है। वैकुंठ का भाग तुम्हारे भाव में नहीं आना चाहिए कि हम वैकुंठ जाएंगे और हम वैकुंठ जाने का प्रयास करेंगे, नहीं नहीं, हमें वैकुंठ नहीं जाना, हमें वैकुंठ अधिपति नारायण को यहां बुलवाना है, हमें भगवान विष्णु को अपने हृदय में, अपनी चित्तवृत्ति में, अपने मन में आमंत्रित करना है। और जब भाव होगा महाराज, निर्मल जब भाव होगा, तो भगवान को मिलने में फिर देरी नहीं हो सकती। कहते हैं प्रेम से प्रभु
छिलके भी खा गए। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए। शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो, दर्शन के नैन बांवरे दर्शन दिया करो। भाव कह रहा भगवान का चरित्र कह रहा कि आपका हृदय जितना निर्मल होगा, आप निर्मल भाव से जितना भगवान की भक्ति को धारण करोगे, निर्मल भाव से आप जितना भगवान का भजन करोगे, निर्मल भाव से आप जितना भगवान को रिझाने का प्रयास करोगे, भगवान उतनी जल्दी प्राप्त होगा। उतनी जल्दी। भाव कह रहा है महाराज कि ये जो भगवान ने जिभ्या हमको दी है, ये केवल इस कली काल से उबरने का एक साधन दिया है। इस कली काल से उबरने का एक साधन, कली काल से निकलने का एक साध्य बनाया है कि केवल कि राम कहो राम कहो मुख में जीवा है कि नहीं। महाराज ये केवल राम कहने के लिए, शिव कहने के लिए, भगवत स्मरण के लिए, भगवत नाम के लिए ये जिभ्या हमें प्रदान करी गई, केवल नाम स्मरण के लिए ये जिभ्या हमें दी गई है। और कलिकाल का साधन, कलिकाल का एक आनंद, कलियुग का एक भाव भगवत स्मरण का एक नाम शिव महापुराण की कथा कर रही है कि बैकुंठ जाने का भाव ना हो। भाव ये होना चाहिए कि बैकुंठ अधिपति हमारे पास है। तो सात दिन की शिव महापुराण में अगर गंगा के घाट पर आप सुन रहे हैं इस पावन कथा का रसस्वादन बघेल परिवार द्वारा आप कर रहे हैं, तो आपके भीतर ये भाव प्रकट हो कि हमें भगवान मिले। और निवेदन एक जरूर करूंगा कि ये जो कथा हो रही है, इस कथा का आनंद आप जो आस्था टीवी चैनल के माध्यम से ले रहे हैं, आप सबसे निवेदन है इस कथा को आप उस भाव से सुनना कि मेरी गली में, मेरे मोहल्ले में, मेरे क्षेत्र में, मेरे परिवार में, मेरे उस संपूर्ण ब्रह्मांड में इस कथा को जैसे ही पूर्ण तरह से मैं श्रवण कर लूं तो ये कोरोना महामारी समाप्त हो जाए, ऐसी शंकर कृपा कर दे। बाबा से ऐसी विनती कर श्रवण कर। अभी तक कथा आपने जो सुनी ना वो आपके लिए सुनी है, पर मेरा निवेदन हृदय से है, दिल से है। अभी तक जितनी कथा आपने सुनी ना टीवी चैनल के माध्यम से, या आपने कुबेरेश्वर धाम पर आकर सुनी हो, या रुद्राक्ष महोत्सव में सुनी हो, यूट्यूब फेसबुक पर सुनी हो, वो आपने अपने लिए सुनी, पर ये कथा जो ये गंगा के घाट से चल रही है, ये जो कथा है, इस कथा को आप इस भाव से सुनना कि अब ये कोरोना महामारी समाप्त हो जाए और विश्व का कल्याण हो जाए, जगत का एक आनंद हो जाए और सबके हृदय से ये कोरोना महामारी का जो भय है वो समाप्त हो जाए। कथा अब उसके लिए सुनिए। एक बार आदि शक्ति माँ जगजननी जगदम्बा दुर्गा भवानी भगवान शंकर के पास जाती है और भगवान शिव से मां जगजननी दुर्गा भवानी ने एक बात कही कि प्रभु सुनिए, मैं जहां जहां पर हूं, मां जगदम्बा कह रही हूं कि मैं जहां जहां पर हूं प्रभु आप वहां वहां पर हो ना। शंकर जी बोले बिल्कुल, जहां शक्ति है वहां शिव है, मैं वहां पर हूं। तो जगत जननी जगदम्बा के मुख से निकल गया प्रभु, फिर जहां पर शिव है वहां पर भी शक्ति है, जहां शंकर है वहां स्वयं आदि शक्ति जगदम्बा पार्वती, मैं वहीं पर हूं। जहां पर शंकर भगवान ने कहा सुन पार्वती, तू जहां पर है वहां पर शंकर है। मैं विश्वास रखकर इस वचन को निश्चित कर देता हूं कि जहां पार्वती है वहां शंकर है, वहां शिव है। पर पार्वती मैं ये नहीं कह सकता कि जहां शंकर है वहां पार्वती, जहां पार्वती है वहां शिव है, ये पक्का है। जहां पार्वती है वहां शंकर है, ये निश्चित है, ये पक्का है। पर जहां शंकर सुता है, जहां शिव है वहां पार्वती हो, ये पक्का है। इसको मैं निश्चित नहीं कर सकता, इसको मैं पक्का नहीं कर सकता। पार्वती जी की आंखों से अश्रु बहने लगा, माता पार्वती के नयन अश्रु बह रहा है।
और माता पार्वती के जब नयन अश्रु बह रहे हैं तो भगवान शिव ने पूछा, क्या बात है पार्वती, हुआ क्या, आपकी आंखों में आंसू कैसे आ गए? ये अश्रु क्यों आ रहे हैं, किस लिए? आज हमारे यजमान कह रहे थे कि गुरुजी जरा हमारी धर्म पत्नी को समझाना, थोड़ा सा क्रोध कम करो। तो हमने कहा जरा तुम अपनी धर्म पत्नी से बात करवाइए। तो उन्होंने अपनी धर्म पत्नी से बात कराया तो उनको देखकर लगा कि क्रोध तो करती होंगी पर यह भी पक्का है कि इनका स्नेह पति के प्रति ज्यादा ही होगा, क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है कि पार्वती ने शंकर भगवान से दो वर मांगे थे काशी की भूमि में। पार्वती जी ने शंकर भगवान से दो वर मांगे थे। पहला वर माता पार्वती ने शिव जी से मांगा था कि पहला वर दीजिए जिस पति पत्नी में झगड़ा हो उसमें प्रेम बहुत बढ़े। तो शंकर भगवान ने कहा था तो उसका एक असर तो आज दिख गया। ठीक है, मतलब जब बात सामने आ जाए तो समझ लो कि मतलब शिव जी ने जो वर दिया था वो गलत नहीं है, कि जहां पर प्रेम बहुत हो, पार्वती जी कर रही है कि ऐसा वर दो जहां प्रेम, जहां झगड़ा होगा वहां प्रेम जरूर होगा, तो वहां वहां प्रेम बना हुआ है, वहां स्नेह बना हुआ है। और दूसरा बार माता पार्वती ने मांगा था कि काशी में जो मरेगा, काशी में जिसके प्राण छूटेंगे उसको गुरु मंत्र आपको देना पड़ेगा। इसलिए भारत की भूमि के सबसे ज्यादा मुर्दे, भारत की भूमि के सबसे ज्यादा शव अगर कहीं जलते हैं तो काशी में जलते, क्योंकि शंकर भगवान ने पार्वती को यह वर प्रदान किया था। अगर आप कह रही हो तो ठीक है कि काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र में दूंगा, पर पार्वती जी के मन में आया कि आपने तो कह दिया कि काशी में जो मरेगा गुरु मंत्र आप दोगे, पर प्रूफ क्या रहे, सबूत कि आपने गुरु मंत्र दिया, ये सबूत कहां से आया, ये सबूत का भान कहां से रहे? तब भगवान शिव ने कहा क्या चाहती हो आप बताओ। तो पार्वती जी बोली आप हमको वर दीजिए कि काशी में जो मरेगा ना उसके सीधे कान में गुरु मंत्र आपको देना पड़ेगा। शंकर भगवान के हम तो उलझ गए, वर दे। कभी कभी अगर पति बोल दे पत्नी को तो क्यों चिंता करती है, मैं बैठा तो हूं, अरे एक अंगूठी क्या, मैं तुझे 10 अंगूठी दिला दूंगा। तो पत्नी हमेशा याद करके वही बोलती है, करवा चौथ का चांद बाद में देखती है, अंगूठी की बोलती है, क्योंकि वो आपने बोला था तो कहा है। अब पार्वती मैया तो मौन। शिव जी ने पूछा पार्वती तू चुप क्यों गई? पार्वती जी बोली मेरा दूसरा वर कि काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र आपको देना पड़ेगा। तो वो गुरु मंत्र कब दोगे? शंकर भगवान ने कहा ऐसा भी होता है कि संसारिक मनुष्य को, मानव को, ये मनुष्य को और गुरु मंत्र में, इस संसार के मानव को गुरु मंत्र में प्रदान करो, ये हो सकता है क्या? नहीं नहीं नहीं, मंत्र तो आपको देना ही पड़ेगा, मंत्र तो आपको देना ही। ठीक है, पर पार्वती संसार के लोगों को अगर मैं गुरु मंत्र दूंगा तो उसमें श्रेष्ठता रहेगी क्या? पार्वती जी बोली क्यों नहीं रहेगी, आप तो मंत्र दीजिए बस। भगवान शिव ने वचन दे दिया, ठीक है अब तू बता, मैं गुरु मंत्र देने को तैयार हूं, मैं गुरु मंत्र दे देता हूं, क्या करना है? पार्वती जी ने कहा आप एक काम करना, मरने वाले के सीधे कान में गुरु मंत्र दे देना, और सीधे कान में गुरु मंत्र देकर और उस कान को बस मोड़ देना, आप मंत्र देना और कान को मोड़ देना, मैं समझ जाऊंगी कि आपने मंत्र दे दिया। शिवजी ने कहा वचन दे दिया, ठीक है। तो इसलिए आज भी नियम है महाराज, दुनिया के लोगों का आज भी भाव ये वर्णन करता है कि काशी में मरने वाले का सीधा कान अपने आप टेढ़ा हो जाता है। आज भी लोग भाव में कह देते कि काशी अभिमुक्त नगरी, काशी मोक्ष नगरी है। और कितने किस्मत वाले हो भाई आप लोग, हो पांडे तारा वाले हो, आपके यहां से तो काशी लगभग कितना होगा, 130 किलोमीटर के लगभग होना चाहिए, 130 किलोमीटर। कितने भाग्यशाली हो, शास्त्र कहता है काशी 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 5 बार बोल ले जीव तो ही गंगा मैया का दर्शन हो जाता है, है? अभी मुक्तता प्राप्त हो जाती है, सहज थोड़ी ना काशी। तो पार्वती जी की आंख में आज अश्रु देखे, जब पार्वती जी की आंख में अश्रु देखे तो शिवजी ने पूछा बात क्या है, तुम बोलो आज पार्वती क्या हो क्या गया? पार्वती जी बोली बस बात इतनी सी है कि आप बोल रहे हो मैंने कहा कि जहां मैं हूं वहां शंकर है, तो बिल्कुल पक्का, पर आप कह रहे हो जहां शंकर है वहां पार्वती नहीं, जहां शिव है वहां पार्वती नहीं है, आखिर क्यों किस लिए? शंकर भगवान कहते हैं ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी मेरा शंभु, मेरा शंकर, मेरा ओगड़दानी, मेरा भूतेश्वर, मेरा भूतनाथ, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा महामृत्युंजय कह रहे हैं, अरे पार्वती तू जानती नहीं है, तू मुझे पहचानती नहीं है।
कुछ स्थान ऐसे हैं पार्वती जहां पर मुझे तेरे बिना भी रहना पड़ता है। पार्वती जी ने हाथ जोड़कर निवेदन करा, प्रभु कोई एक स्थान ऐसा बता दो जहां शंकर हो और शंकर के साथ आद्य शक्ति पार्वती भी हो। जैसे आप कह रहे हो कि जहां पार्वती रहेगी वहां शिव रहेगा, पर जहां शिव है वहां पार्वती हो, तो कुछ एक स्थान ऐसा बताओ, वो स्थान हमको दे दीजिए। शंकर भगवान ने कहा वो स्थान है कुंभ कलश। कौन सा स्थान? जम के बोलिए, कलश। कलश देखा है आप लोगों ने? कुंभ कलश। उस कलश में हे पार्वती, जहां शंकर है वहां तू भी विराजमान होगी, और केवल एक रूप में नहीं, सारी विद्याओं के रूप में तू उसमें संजू रहेगी, केवल एक कलश। आज नया संवत्सर है, नूतन वर्ष है, पूरे भारत की भूमि पर और मेरे भारत के जो मानव है जहां जहां निवास कर रहे हैं, विदेश में भी, पूरी भारत की भूमि पर आज के दिन लोग देवी जी की स्थापना करते हैं। तो क्या स्थापना में क्या रखते हैं? कलश रखते हैं ना। तो कलश किस लिए रखा जाता है, कलश का क्रम क्या है? अपन ने अभी तक कथाओं में बहुत सुना शिव महापुराण में कि दिए का महत्व क्या है, अपन ने सुना दही का महत्व क्या है, जल का महत्व क्या है। पूरी शिव महापुराण में अपने अलग अलग महत्व को जाना है, पर यह नवरात्रे में जो शिव महापुराण की कथा शुरू हो रही है, नवरात्रे में जो शिव महापुराण की कथा को हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं, इसमें हमारा एक संशय और मिटना चाहिए कि भारत की भूमि पर जब माँ आद्य शक्ति की स्थापना होती है, माँ जगत जननी को जब विराजमान किया जाता है, या चैत्र नवरात्रे में, शरदीय नवरात्रे में, आषाढ़ी नवरात्रे में, आदिकाधिक पौष नवरात्रे में हम शंकर की, हम जगत जननी जगदम्बा की जब स्थापना करते हैं, या हम नूतन घर का प्रवेश करते हैं, या गणेश जी की स्थापना करते हैं, या कोई दुकान को प्रवेश करते हैं, या कोई शुभ कार्य करने के लिए अग्रणी होते हैं, तो हम कलश की स्थापना क्यों करते हैं? आज शिव महापुराण में शुरुआत में अपन शिव और पार्वती की यही संवाद को लेकर चलते हैं। आखिर कलश में ऐसा क्या है, कलश के अंदर आखिर ऐसा क्या विराजमान है कि 33 कोटी देवता उस कलश के अंदर आकर बैठ जाते हैं? महाराज आप कोई यज्ञ करने जा रहे हो, आप कोई पोथी पुराण करने जा रहे हो, आप कोई अच्छा कार्य करने जा रहे हो, तो ब्राह्मण देवता कह देते कलश की स्थापना होगी, कलश की शोभा यात्रा निकलेगी, कलश यात्रा निकलेगी, कलश विराजमान होगा। और आज हर की पौड़ी पर, प्रयागराज में, या उज्जैनी में, नासिक में, जो बड़े बड़े कुंभ के मेले होते हैं, कुंभ का मतलब ही तो कलश से होता है, उसकी महत्वता क्यों है? उस कुंभ की, उस घड़े की महत्वता कहां से प्रकट हो गई? शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज, भगवान औघड़दानी शंकर स्वयं आद्य शक्ति जगदम्बा से कहते हैं कि जगदम्बा तू क्या चाहती है बोल, तो जगत जननी जगदम्बा कहती है कि जहां मैं हूं वहां शंकर है, ये आपने कह दिया, पर जहां शंकर है वहां पार्वती का होना जरूरी है, उसके लिए सिद्ध करने के लिए एक स्थान ऐसा बनाया जाए जहां पर शंकर विराजमान है और शंकर के साथ पार्वती विराजमान है। तो शिव जी ने कहा पार्वती उसके लिए मैं तुझे एक सुंदर कलश का निर्माण कर देता हूं। दुनिया का रचनाकार, दुनिया की रचना करने वाले महाराज, संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करने वाले, जिनको भगवान शिव ने स्वयं ब्रह्मदेव से कहा है कि ब्रह्मा जी तुम सृष्टि खंड को आगे बढ़ाइए, सृष्टि की रचना करिए। और आज ही के दिन, यही चैत्रीय प्रतिपदा के दिन, यही इसको कहते हैं नया संवत्सर, नया वर्ष हिंदू धर्म में क्यों कहा जाता है? आज ही के दिन ब्रह्मा जी ने महाराज सृष्टि की रचना करना प्रारंभ करा था। आज ही के दिन भगवान शिव और ब्रह्मा का संवाद हुआ था, सीधे भगवान शंकर ब्रह्मदेव के पास जाकर बोले थे हे ब्रह्मदेव आप सृष्टि की रचना करिए। तो ब्रह्मा जी ने पूछा था सारे नक्षत्र आपने बनाए, सारे दिन आपने बनाए, सारी घड़ियां आपने बनाई, सारा पल आपने बनाया, मनुष्य की श्वास गिनती काउंटिंग अर्थात मनुष्य के शरीर की रोमावली ये सब आपने निश्चित करी है, मनुष्य की कितनी धड़कन चलेगी, कितनी श्वास चलेगी, 21,600 श्वास जो मानव के शरीर से प्रतिदिन निकल रही है, 3.5 करोड़ रोम छिद्र जो मनुष्य के शरीर में बने हुए हैं, ये संपूर्ण बनाने वाले आप हो, एक एक घड़ी, एक एक पल, एक एक नक्षत्र, एक एक समय बनाने वाले आप हो, हर श्वास को बनाने वाले आप हो, तो आपसे मुझे कहना है कि एक निर्माण ब्रह्मदेव आप ब्रह्मा जी करें, तो एक काम करो ना कि सृष्टि की रचना भी आप करो। भगवान ब्रह्मा ने शिव जी से कहा कि सृष्टि की रचना आप करिए।
महाराज भगवान ओघड़दानी त्रिकालदर्शी शंभु कहते हैं मेरा कैलाशी मेरा शिव कहता है, नहीं 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 ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना करने को तो हम कर दे मना नहीं है, पर भगवान विष्णु की नाभि से आप प्रकट हुए हो, भगवान शेषनाग की सैया पर शयन कर रहे हैं, और भगवान जब शेषनाग की सैया पर शयन कर रहे हैं उस शेषनाग की सैया से सोते हुए भगवान ने अपने नाभि कोष से आपको प्रकट करा है कमल के पुष्प के ऊपर, और आप भगवान की अंतः नाभि में ब्रह्मदेव ना जाने हजारों वर्ष तक आप नाभि में प्रवेश करते गए, हजारों वर्ष तक आप नाभि के अंदर जाकर साधना करते रहे, और साधना करने के बाद भी आपको यह पता ना चल पाया कि आपका प्रागट बिंदु क्या रहा। ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना आप करिए, ब्रह्मा जी कह रहे हैं नाथ इस सारे ब्रह्मांड को रचना करना है कर दूंगा, मना नहीं है, पर रचना करता भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं संसार को एकाग्रित करूं उससे पहले 33 कोटि देवताओं को मुझे एकाग्रित करना है, और सारे 33 कोटि देवता एक जगह पर आकर विराजमान हो जाएं ऐसी कोई व्यवस्था करना है। शंकर भगवान ने कहा बनाओ ब्रह्मदेव तुम निर्माण करो, ब्रह्मा शास्त्र कहता है कि भगवान शिव सुतः, शंकर तो शंकर है, भगवान शंकर ने एक मट्टी का सुंदर सा भाग ढेला एकाग्रित करा, उस ढेले से भगवान ने एक सुंदर कुंभ का निर्माण करा, एक सुंदर कलश का निर्माण करा। देखिए कितनी सुंदर कथा है, अगर आप लिंग पुराण में इस कथा को निकालोगे तो एक आनंद की अनुभूति और होगी, अगर किसी के मन में संशय हो कि यह कथा कहां से ली गई है तो लिंग पुराण में से आप इसको निकालिए, उसमें वर्णन किया गया कि सफेद मट्टी का शिवलिंग, लाल मट्टी का शिवलिंग, पीली मट्टी का शिवलिंग, काली मट्टी का शिवलिंग, उस शिवलिंग के निर्माण के पहले जब भगवान का पूजन करने के लिए पात्र की जरूरत पड़ी तो उस पात्र का निर्माण किसने करवाया था, और सबसे पहला पात्र निर्मित, सबसे पहला पात्र का निर्माण, ये तांबा सोना चांदी पीतल इनके पात्र तो बाद में बने साहब, सबसे पहला पात्र बने काय का था, जम के बोलिए जरा, काय का बना था सबसे पहला पात्र, था ये मिट्टी का। आज भी हिंदू धर्म में भले तुम्हारे घर में सोने के कलश हो, भले चांदी के कलश हो, भले तुम्हारे घर में पीतल और तांबे के पात्र रखे हों, पर आज भी अगर ब्राह्मण कहेंगे कि हमें कोई यज्ञ करना है, अनुष्ठान करना है, हमें ये स्थापना करना है, तो ब्राह्मण एक ही बात कहेंगे कि तांबा पीतल चांदी के हमें पात्र नहीं चाहिए, ब्राह्मण कहेगा मैं मिट्टी के कलश लाकर रखो, हमें मिट्टी की कलश चाहिए। और कितना बड़ा प्रमाण है जी, शास्त्र का प्रमाण देखिए कितना बड़ा है, आप किसी दूसरे घर में जा रहे हो, आप अपना घर छोड़कर और दूसरे मकान में जा रहे हो, और आपको लगा कि मैं इस घर में आप 15-20 दिन नहीं आऊंगा, एक महीना नहीं आऊंगा, तो शिव महापुराण की कथा कितना सुंदर कहती है कि अगर आप जा रहे हो और आपको ऐसा भय लगता है कि इस मकान में कोई दूसरी प्रवेश ना करे, कोई दूसरा जीव ना आ जाए, इस मकान में कोई अंतरात्मा ना आए, इस मकान पर कोई टोना ना करे, इस मकान में कोई टोटका ना करे, इस मकान में कोई जादू ना करे, तो उसके लिए शिव महापुराण की लिंग पुराण वर्णन करती है कि मात्र एक मट्टी का कलश, उस मट्टी के कलश में एक महाराज थोड़ा सा धान भरकर उसमें एक सिक्का 1 रुपया उसके अंदर डालकर और एक बेलपत्र उसके अंदर डालकर उसको उसके एक दिए से या प्लेट से या नरियल से उसको रखकर एक स्थान में ईशान के अंतर्गत उसको रखकर चले जाइए, उस मकान में ना तो कोई भीतर प्रवेश कर सकता है, उस मकान में ना कोई टोना कर सकता है, उस मकान में ना कोई टोटका कर सकता है, उस मकान में ना किसी की नजर लग रही है, और वो पात्र कोई दूसरा नहीं होना, वो पात्र होना चाहिए मट्टी का कलश, मट्टी के कलश की बड़ी महत्वता है। अब तो थोड़ा सा महाराज हो गया कि लोग हम मट्टी का कलश अगर तुम दोगे भी तो ब्राह्मण क्या काम में लेगा, तो ब्राह्मण जन कह देते हैं थोड़ा तांबे के 4 कलश लेकर आइए, हो तुम जरा स्टील के 5 कलश लेकर आइए, आप तुम तांबे के या ये बर्तन लेकर आइए, पहले इसका प्रमाण नहीं था, पहले प्रमाण था केवल मट्टी का कलश, स्थापना जो थी वो मट्टी का कलश, विराजमानता थी मट्टी का कलश, जिसका निर्माण स्वयं भगवान शिव शंकर, भगवान शंभु, भगवान त्रिकालदर्शी कैलाशी स्वयं लिंग पुराण के अंतर्गत शास्त्र वर्णन करता है कि जिस समय सुंदर शिवलिंग की स्थापना करी गई, शिवलिंग का निर्माण करने के लिए भगवान ने, और स्कंद पुराण में भी आता है यही बात, शिव महापुराण में भी आती है, और आपको पहले भी कथा में कहा कि ब्राह्मण सफेद मट्टी का शिवलिंग बना, पहले भी कथा में कहा, आज फिर कह रहा है, क्षत्रिय लाल मट्टी का शिवलिंग बना, वैश्य पीली मट्टी का शिवलिंग बना, शूद्र काली मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण। काली मट्टी का शिवलिंग का निर्माण कर,
एक बहुत अच्छी बात कहें, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो अपनी जिंदगी में उतारना, ना अच्छा लगे तो उसको छोड़ देना, ठीक है। जितने लोग भी कथा सुन रहे हो बहुत ध्यान देना, ये जो पानी पीने का जो मटका होता है ना, जिसको हमारे यहाँ कलश कहा जाता है, हंडा कहा जाता है, जिसको हमारे यहाँ परिंडा कहा जाता है, मटका कहा जाता है, तो पहले जो मटका चलता था वो लाल कलर का चलता था, ठीक है। उस पर कलाकृति करते थे लोग, उस पर डिजाइन करते थे। आपके यहाँ भी होगा, जितने लोग कथा सुन रहे हो ना, आपके यहाँ भी मटका होगा, लाल कलर का चलता था। अभी अभी जो मटका चल रहा है ना, उसका कलर चेंज कर दिया गया, कौन सा कलर का हो गया, वो काले कलर का बेचने लगे। तो वो बेचने वाला क्या कहता है कि साहब ये सफ़ेद, ये लाल जो मटका है ना, इस मटके से मजबूत अगर कोई मटका है तो वो काला है। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो तो सही है ना। आप कभी जाओगे बाजार तो कह देगा, कुमार भी कह देगा, ये जो मटका है ना लाल वाला, इस लाल वाले मटके से मजबूत ये काला वाला मटका है, ये काला मटका है, और महाराज इससे पानी ज्यादा ठंडा ये कर देगा। पर शिव महापुराण की कथा, लिंग पुराण की कथा कहती है, और अगर आपने बैसाख मास की कथा को श्रवण कराओ, बैसाख की एक कथा होती है उसको अगर आपने श्रवण कराओ, तो उसमें वर्णन आता है कि घर के अंदर जहां पर आप पानी पीते हो, जिस स्थान पर अन्नपूर्णा निवास करती है, जिस स्थान पर अन्नपूर्णा का वासा होता है, रसोई घर में जहां बनता है, उस स्थान पर काला मटका नहीं रखा जाता। काला हंडा घर, काला मटका उस स्थान पर नहीं रखते। पर आज फैशन के हिसाब से, अरे साहब ये मटका थोड़ा कम ठंडा पानी देगा तो ये मटका ज्यादा ठंडा पानी देगा, तो उसको काले मटके को रखें। पर हमारे शास्त्र कहता है काला मटका लोग रखते कहाँ थे, पहले जो शास्त्र रीति थी उस काले मटके को रखते थे जब मकान बनता था, जब प्रॉपर्टी बनती थी, जब जमीन बनती थी, जब जायदाद बनती थी, संपदा बनती थी, तो उस स्थान पर उस काले मटके को केवल नजरोटे के लिए, केवल हाय के लिए, केवल नजर के लिए रखा जाता था, उसको लोग लेना पसंद नहीं करते। पर आज के व्यक्ति को अगर कह दिया जाए कि ये दो मटके रखे हैं साहब, लाल भी है और काला भी है, तो कौन सा पसंद करेगा, वो काला वाला ही दे दीजिए साहब, ये पानी ज़्यादा ठंडा करेगा, उसकी श्रेष्ठता रहेगी। नहीं, शिवपुराण कर रही, भगवान कुंभ का निर्माण कर रहे हैं, भगवान कलश का निर्माण कर रहे हैं, और भगवान स्वयं ब्रह्मदेव कर रहे हैं कि आप ऐसा निर्माण कर दो जिसमें 33 कोटि देवता स्वतः विराजमान हो जाए। तो भगवान ने उस कलश का निर्माण कर दिया। अब कलश का निर्माण करा तो स्वयं भगवान ब्रह्मदेव बोले, प्रभु इस कलश के अंदर मेरा स्थान कहाँ है, मेरा स्थान कहाँ है? बहुत ध्यान देना महाराज, कलश का जो मुख होता है उस मुख पर भगवान विष्णु का स्थान होता है। किसका स्थान है? भगवान विष्णु का। थोड़ा सा नीचे आओगे जहां से कलश का मुख दबा हुआ होता है, वह जगह भगवान स्वयं शिव की होती है। किसकी जगह है? भगवान शंकर की। कलश का अग्रभाग, नीचे का भाग जहां से फैला हुआ होता है, वहां ब्रह्मा का आधिपत्य स्थापित होता है। फिर कलश का जो नीचे का भाग होता है वो भगवान शिव और शक्ति का स्थान होता है। कलश के बाहरी भाग में, जहां पर बाहर का हिस्सा होता है, उस कलश के बाहरी भाग में 33 कोटि देवताओं को भगवान शंकर ने लाकर विराजमान किया होता है। महाराज भगवान शंकर 33 कोटि देवताओं को निमंत्रण देकर उस कलश में विराजमान कर दिया। कितना सुंदर लिखा है देवी भागवत के अंदर कि जहां कलश की स्थापना होती है उस जगह पर किसी देवताओं को बुलाने की जरूरत नहीं होती, 33 कोटि देवता उस जगह पर स्वतः विराजमान हो जाते हैं। स्वयं 33 कोटि देवता स्वयं वहां विराजमान। और कितनी महत्वता कलश की महाराज, आप लोगों से भी निवेदन है, चैत्रीय प्रतिपदा आज, जिनके घर में ज़्यादा रोग हो, बीमारी हो, ज़्यादा तकलीफें आ रही हो, कष्ट बढ़ रहा हो, बीमारियां बढ़ रही हो, या भय लग रहा हो, डर लग रहा हो, हृदय चित्त में कहीं ना कहीं आपको भय का भान हो रहा हो, तो एक लोटा पानी एक कलश में जल भर कर रख लीजिए और रात भर उसको रख लेने दो। नवरात्र चल रहा है, उस कलश को रात भर रखकर सुबह सुबह उस कलश में एक बेलपत्र डालकर उस जल को नीम के पेड़ के नीचे, जहाँ चैत्री नवरात्र में नीम के पेड़ के नीचे सारी विद्याएं आदि शक्तियां सारी देवी उस नीम के पेड़ के नीचे विराजमान रहती हैं, उस कलश में एक बेलपत्र डालकर रात भर रखकर उस जल को पूरे घर में घुमाकर उस नीम के पेड़ के नीचे समर्पित कर दीजिए महाराज, घर में भय लगना बंद हो जाएगा, कोई बड़ी बीमारी आपको घेरेगी नहीं, और उस बीमारी से उस रोग से आप मुक्त रहेंगे, उस बीमारी से उस रोग से आप मुक्त पाएंगे, वो बीमारी आपको घेर नहीं। कलश का इस समय भगवान निर्मित कर दिया, ये कलश मेरा प्रतिबिंब। अब कलश मेरा प्रतिबिंब है ये तो कहा, पर
भगवान शिव के पास में आकर स्वयं कामदेव की धर्म पत्नी रति रो पड़ी, आंखों से आंसू बह रहा है। कामदेव की धर्म पत्नी रति रो रही है। शिवजी अपनी साधना में लीन थे, भगवान शंकर नेत्र बंद करके शिव आनंद में विराजमान थे। नेत्रबंद बाबा, शिवजी ने पूछा, बोलो रति, आप और यहां जब आपका पति जलकर भस्म हुआ तो हमने वर दिया था आपके पति को कि ये भगवान कृष्ण का पुत्र बनकर मिलेगा आपको, फिर क्यों आप यहां पर आई हो, क्या हो गया, ऐसा क्या चाहती हो आप, फिर आने का कारण क्या है आपका, किस लिए पधारी हो आप। महाराज, मेरा पति जो जलकर भस्म हुआ था, उसके भस्म होने पर मेरे ऊपर भी केस लगाया। तो भाई केस तुम्हारे ऊपर किसने लगाया, ऐसा क्या हो गया कि तुम यहां मेरे पास नहीं। प्रभु बात इतनी सी है कि मेरा पति जब आपके नेत्रों की ज्वाला द्वारा जलकर भस्म हो रहा था, उस समय पर वो आम के पेड़ पर बैठा हुआ था। कौन से पल्लव के? आम के पल्लव, आम के डालियों में, आम के पल्लव में मेरा पति छुपा हुआ। तो फिर क्या चाहती हूँ भगवान से, माँ रति कह रही है, दिक्कत केवल इतनी सी है कि मेरा पति जलकर भस्म हुआ, वह आपने वर दे दिया कि वो कृष्ण के पुत्र बनकर हमें मिल जाएंगे, वो हम मान रहे हैं, सब जानते हैं, ठीक है, पर दिक्कत इतनी सी है कि जिस आम के पेड़ पर मेरा पति बैठा हुआ था, उसके चक्कर में वो आम का पेड़ भी जला, तो वो आम का पेड़ जो जला, उसने मुझसे कहा है कि पति का तो उद्धार हो गया, पर हमारा उद्धार कैसे। अब देखिए, कई लोग कहते हैं प्रश्न करने वाले पीछे नहीं हटते, महाराज बहुत प्रश्न करते हैं और प्रश्न कर कर पूछते हैं, गुरुजी ये कलश के ऊपर आम के पत्ते क्यों लगते हैं, उसका उत्तर है ये, ध्यान दीजिए, प्रश्न बहुत है तो उसके उत्तर भी बहुत है, बस उसको समझने वाला चाहिए। और आप लोगों को तो आज बहुत बहुत भगवान ने कृपा करी है, जो आप पहले दिन ही कलश स्थापना होती है और पहले दिन ही आपको ये ज्ञान हो जाए कि बच्चे पूछे कि कलश क्यों रखा जाता है, कलश के ऊपर आम के पत्ते क्यों लगाए जाते हैं, कलश के ऊपर नारियल क्यों रखा जाता है, कलश के ऊपर नौ बार मोली क्यों मानी जाती है, मोली मतलब अच्छा नाड़ा, नौ बार क्यों लपेटा जाता है नारियल के ऊपर, कलश के ऊपर जब रखते हैं, कलश के ऊपर जब जब श्रीफल रखाता है, नारियल रखाता है, तो उस पर पांच बार सात बार मोली नहीं लपेटी जाएगी, तो नौ ही बार लपेटी जाएगी, पांच या सात बार लपेटते हैं तो कहते हैं कि लक्ष्मी की छिन्नता होती है, और वो नौ बार लपेटी जाती है तो भरपूर लक्ष्मी का भंडार भरती है। क्यों क्यों कहते हैं उसे? महाराज, आम के पल्लव, तो मैं केवल आपसे इतना सा निवेदन करना चाहती हूँ, आपसे केवल इतना कहना चाहती हूँ कि प्रभु मेरे मन का संशय मिटा दीजिए, और जो आम का वृक्ष मेरे पति के साथ जलकर भस्म हुआ है, उसकी विनती को आप स्वीकार कर लीजिए, आप उसके लिए भी कुछ कृपा कर दीजिए। इसी को कृपा कहते हैं, इसी को करुणा कहते हैं, इसी को दया कहते हैं। भगवान बोले, अब आप आई हो रति, ठीक है, मांगो क्या चाहिए, बस इतनी कृपा कर दीजिए कि आम के वृक्ष का भी उद्धार कर दो। शिवजी ने कहा, हम वर प्रदान करते हैं रति, जहां शिव और शक्ति है, जहां 33 कोटि देवता इस कलश के अंदर विराजमान होंगे, उस जगह पर स्वयं कंठ पर जहां पर मेरा निवास होगा, उस जगह पर ये आम के पल्लव अमृत के तुल्य माने जाएंगे, और इनका निवास हमारे ही हाथ में, हमारे ही हस्त कमल में विराजमान होगा, हमारे ही हाथ में। कितना सुंदर है महाराज जी, उस आम के पल्लव की महत्वता को जरा जानिएगा, बहुत बहुत ध्यान दीजिएगा। आम के पत्ते देखें आप लोगों ने, अरे बोलो जम के तो बोलो, देखें उसका प्रयोग कभी आप लोगों ने करा, आम के पत्ते का कभी प्रयोग कर देखिएगा। अभी तो नवरात्रि चल रही है, नवरात्रि में जब पांचवा दिन नवरात्रि का रहे, चैत्री नवरात्रि का पांचवा दिन रहे, और मान लो कि आपके घर में किसी बच्चे की, लड़के की या लड़की का, या मंगल विवाह नहीं हो रहा हो, या शादी नहीं हो रही हो, या उस लड़के लड़की के लिए बहुत प्रयास कर लिया आपने, उसकी शादी हो ही नहीं रही, अथक प्रयास कर लिया और उसका मंगल विवाह नहीं हो रहा, तो ये देवी भागवत में स्पष्ट कहा गया, देवी भागवत में वर्णन किया गया, देवी भागवत में वर्णित किया गया
और देवी भागवत में कहा गया कि आम का जो पत्ते होते हैं, आम का जो पत्ता होता है, आम का जो पल्लव होता है, उस आम के पत्ते पर हल्दी और सिंदूर, इन दोनों से स्वस्तिक का निर्माण किया जाए। देवी भागवत का संवाद है, बहुत ध्यान देना महाराज। जिन कन्याओं का विवाह ना हो पंचमी के दिन, नवरात्रे की कोई सी भी पंचमी, मतलब जो पंचमी तिथि पड़ेगी कोई भी नवरात्र हो, चाहे वो चार नवरात्र में से, चाहे वो पौष का हो, अश्विन का हो, चैत्र का हो, आषाढ़ का हो, किसी भी नवरात्र में आप कर सकते हैं। एक पान के पत्ते पर, एक ही पत्ते पर जो दो स्वस्तिक बनेंगे, एक हल्दी का बनेगा, एक सिंदूर का बनेगा। बस अंतर इतना है, जो हल्दी का स्वस्तिक है उस पर कंकु के चावल अर्थात रौली के चावल, रौली कुंकू के चावल रखना है, और जो सिंदूर का है उस पर हल्दी के चावल रखना। इतना रखकर जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं होता उसकी हथेली पर रखकर उसका नाम और गोत्र बोलकर महाराज उसको ले जाकर नीम के पेड़ के नीचे उसको रख दिया जाता है। मात्र 3.5 या 4 महीने ऐसे रहते हैं जिसके अंदर उस लड़का लड़की का विवाह पक्का हो जाता है, जिसका विवाह नहीं होता केवल उसी के लिए, जिसका मंगल विवाह ना हो रहा। आम के पल्लव में शिव का वर प्रदान है, आम के पल्लव में शंकर का आशीर्वाद, आम के पल्लव में शिव का आशीर्वाद। भगवान भूत भावन भूतेश्वर मेरे शिव, मेरे करुणा सागर, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे भोलेनाथ स्वतः कह रहे हैं, अरिरति तुम रोती क्यों है, तुम्हारे रोने का कारण क्या है? प्रभु मेरे पति के साथ यह आम का पेड़ भी जलकर भस्म हुआ, आम का पेड़। भागवत जी किस किसने सुनी है, हाथ उठाओ जरा, जिन जिन ने भागवत जी सुनी है, आप लोगों ने सुनी है भागवत, रखिए हाथ। अगर आप लोगों ने भागवत सुनी होगी तो उसमें वर्णन आता है तक्षक नाग डसने के लिए जब जा रहा था तब ब्राह्मण देवता जो जहर उतारना जानते थे उनको लेकर राजा परीक्षित के पुत्रों ने अपने दूतों को भेजा था लाने के लिए कि एक ब्राह्मण ऐसे हैं कि वो तक्षक नाग का जहर उतार सकते हैं, वो तक्षक नाग के जहर को समाप्त कर सकते हैं, तो आप उनको लेकर आओ। और वो तक्षक नाग का जहर उतारने वाले उस ब्राह्मण को लेकर जा रहे थे तो सर्प ने विचार करा, तक्षक नाग ने कि बताओ ये तो गजब का काम कर रहा, अगर ये ब्राह्मण पहुंच गया तो ये ब्राह्मण तो सर्प का जहर उतार देगा। तो सांप तक्षक नाग को ये चिंता लग गई कि मेरे को ही डसना है और मेरे जहर ये उतार देगा, और डसने अभी एक ही बार है और मरना चाहिए परीक्षित, परीक्षित को श्राप लगाए, अब करूं तो करूं क्या। तो सर्प ने विचार करा कि मैं एक रूप रखकर जाता हूं और इस ब्राह्मण की परीक्षा लेता हूं। सर्प रूप रखकर गया, भागवत आप लोगों ने श्रवण करी होगी। तो जब तक्षक रूप रखकर गया और उस ब्राह्मण के पास में जाकर पूछा कि ब्राह्मण देवता यह बताओ कि आप कहां जा रहे हो, तो ब्राह्मण बोला आपको नहीं मालूम, राजा परीक्षित को सांप डसने वाला है तक्षक नाग और मैं जहर उतारना जानता हूं। अच्छा आप जहर उतार दोगे, हाँ तो किस लिए जा रहे हो, जहर उतारने के लिए। तो जहर उतारने क्यों जा रहे हो, तो कहा राजा है राजा, जब राजा का जहर उतारेंगे तो मुद्रा भी कितनी मिलेगी आपको मालूम नहीं है क्या। अच्छा ब्राह्मण देवता इसलिए जा रहे हो, हाँ पर उसको तो किसी संत ने श्राप दिया। अरे तो श्राप संत ने दिया है, हम ब्राह्मण हैं, हमारा कर्म है किसी को बचाना, तो हम तो बचाएंगे। अच्छा आप में इतनी सामर्थ्यता है कि आप तक्षक नाग का जहर उतार दो। अरे तक्षक नाग आकर अगर मेरे सामने खड़ा हो जाए और किसी को डस ले तो यह पक्का है कि मैं जहर उतार सकता हूं। अच्छा तो इतने में तक्षक नाग सामने बिल्कुल प्रकट हो गया और तक्षक नाग प्रकट होकर बोला बता ब्राह्मण किसको डसूं मैं। ब्राह्मण ने कह दिया तुम्हारी मर्जी पड़े उसको डसो। सामने एक पेड़ था, उस पेड़ को ब्राह्मण ने, उस तक्षक नाग ने डस लिया। अब तक्षक नाग ने उस पेड़ को डसा और डसने के बाद में वो पेड़ पूरा जल गया, पूरा जल गया। अब पेड़ तो जल गया पर ब्राह्मण जो था जिसको परीक्षा देना थी वो ब्राह्मण को यह नहीं मालूम था कि इस पेड़ पर एक संत बैठकर साधना कर रहा था, तपस्या कर रहा था, और जब वो पेड़ जला तो वो संत भी जल गया, संत भी जल गया। अब जब संत जल गया ब्राह्मण ने हाहाकार की आवाज जब सुनी तो आंखों में जल भर गया, आखिर हुआ क्या, ये संत जल कैसे गया। तो कहा इसके जलने का कारण केवल इतना है कि अब आप जीवित करो इस पेड़ को, हरा भरा करो इस पेड़ को, हरा भरा कर दीजिए। और ब्राह्मण ने हाथ की अंजलि में जल लिया, हाथ की अंजलि में जल लेकर ब्राह्मण उस जल को पेड़ के ऊपर छीट रहे थे तो सबसे पहले ब्राह्मण ने यह मन में सोचा कि भोलेनाथ शंभु त्रिकालदर्शी है कैलाशी, कृपा ऐसी करना कि सबसे पहले जो पेड़ पर जो संत बैठा था वो जीवित होना चाहिए,
जो वृक्ष पर संत बैठा है वो जीवित होना चाहिए। हाथ का जल ब्राह्मण ने जैसे छोड़ा, छोटे से पेड़ भी हरा भरा हो गया और उसके ऊपर जो संत बैठे थे वो भी जीवित हो गए। जीवित हो गए तो तक्षक नाग को ये लगा कि इसने एक जले हुए पेड़ को जीवित कर दिया, वापिस हरा भरा कर दिया, और इसने ऊपर बैठे हुए संत को वापिस जीवित कर दिया, तो ये पक्का है कि मतलब ये तक्षक नाग का जहर, मतलब मेरा जहर राजा परीक्षित को उतार सकता है। तो तक्षक नाग ने अपनी बात को पलटा और पलट कर कहा, महाराज जी हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, जितना राजा परीक्षित के पुत्र आपको धन देंगे उससे हजार गुना धन मैं आपको देता हूं। ब्राह्मण ने कहा ठीक है, अगर दक्षिणा से बड़ी दक्षिणा हमको एक ही जगह पर मिल रही है तो फिर हमें जाने की जरूरत क्या। ब्राह्मण ने दक्षिणा ली, वापिस मुड़ गए। अब ईमानदारी से बोलो, वो ब्राह्मण नरक गया होगा कि स्वर्ग गया होगा, जरा जम के बोलना, सुनाई देना चाहिए हमको, कहां गया होगा? नरक। काय में लिखा है? देवी भागवत में। उसका कारण क्या था? शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे एक नाव चलाने वाला व्यक्ति नाव लेकर जा रहा है और उसमें बहुत सारे यात्री बैठे हैं, और नाव डोलने लगी, आंधी चलने लगी, तूफान चलने लगा, हवा आने लगी, लहरें उठने लगी और नाव डूबने लगी। तो जो नाव में बैठा हुआ, नाव चला रहा था, वो कूद गया और कूद कर बाहर निकल गया, और निकलकर सारे के सारे जितने नाव में बैठे थे वो सब जलने लगे। जितने नाव के अंदर बैठे थे वो सारे के सारे जलने लगे। जब वो सारे के सारे पानी में डूबने लगे और पानी में नाव में जाकर सबकी सब जब डूब रहे हैं, सब मर गए, सारे के सारे जो नाव में बैठे थे, जो तैरना जानते थे वो बाहर निकल गए, बाकी के सब डूब गए। नाव चलाने वाला जब उसके प्राण छूटे तो उसको एक नरक नहीं मिला, कम से कम 94 नरकों में वो नाव चलाने वाला गिरा, शिव महापुराण की कथा कहती। तो उस नाव चलाने वाले ने भगवान से पूछा कि मुझे इतने सारे नरक क्यों दे रहे हो, मैंने तो लोगों को गंगा से पार उतारा, मैंने तो रोज गंगा का जल पिया, मैंने तो रोज गंगा का स्मरण किया, मैं तो रोज भगवान का दर्शन करता था, मैं रोज गंगा से पार उतरता था, दुनिया के लोगों को मैं पार उतारने का काम करता था। तो भगवान ने कहा गलती केवल तुमने एक कर दी, तुमने अपने प्राण बचाए, अगर तुम दो लोगों के भी प्राण बचाते बचाते मर जाते तो तुमको वैकुंठ मिल जाता, पर खुद के प्राण बचाए और दूसरों को मरने दिया, इसलिए तुमको नरक मिला, इसलिए तुम्हें नरक प्राप्त हुआ। शिव महापुराण की कथा कहती है जिस पर दुनिया को विश्वास होता है, दुनिया को जिस पर विश्वास है, जिसे आज कोरोना महामारी के चलते हुए, इस कोरोना महामारी को देखते हुए, जिस इस वायरस को देखते हुए दुनिया का विश्वास डॉक्टर पर टिका हुआ है, औषधि देने वाले, दवाई देने वाले, उन डॉक्टरों पर दुनिया का विश्वास टिका हुआ है, तो डॉक्टर का क्या फर्ज है? जैसे नाव चलाने वाले का फर्ज है कि बचाते बचाते भगवान करे भले तुम्हारे प्राण छूट जाते तो तुम्हें स्वर्ग मिल जाता, युद्ध के मैदान में सैनिक युद्ध करते करते मर जाता तो उसको वीरगति प्राप्त हो जाती, पर खुद के प्राण बचाने के चक्कर में आप दुनिया को धकेल दो, ये श्रेष्ठता नहीं। ये इसमें श्रेष्ठता नहीं। जब तक उस शरीर में प्राण है, जब तक उस शरीर में श्वास है, डॉक्टर भी अपनी जान झोंक दे कि कैसे भी मुझे इसको बचाना है, चाहे कुछ भी हो जाए इसके प्राण बचना चाहिए, फिर धन मूल नहीं है, फिर संपदा मूल नहीं, फिर सत्ता मूल नहीं है। वो नाव चलाने वाले को 94 नरक भोगना पड़े। जिस ब्राह्मण ने दक्षिणा ज्यादा लेकर राजा परीक्षित को नहीं बचाया, चले गए। जब भगवान ने विद्या दी है, भगवान ने ज्ञान दिया है, भगवान ने विवेक दिया है और तुमको उस लायक बनाया है कि आप चार लोगों को पढ़ा सकते हो, आप चार लोगों को आगे बढ़ा सकते हो, आप इसका सम्मान कर सकते हो, आप इसको अग्रण्यता प्रदान कर सकते हो, आप इसको विवेकता दे सकते हो, और आप उस विवेकता को ना देते हुए अगर आप अपने उस वैभव को छुपा रहे हो और उससे वंचित कर रहे हो दुनिया को, तो फिर भगवान छोड़ने वाला नहीं है, नरक भोगना। पर पांडे तारा वालों, आप लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया कि उसने दक्षिणा ज्यादा ले ली और वापस निकल गया, तो अपने मुख से कह दिया कि वो नरक गया। कितनी, इसी को कहते गंगा तट के श्रोता। गंगा तट के जो श्रोता होते ना, बड़े आनंदमय होते, कथा जो सुनते हैं ना उसका भाव एक आनंदित था कि वो अपना लक्ष्य छोड़कर अगर चाहता तो राजा परीक्षित को बचा सकता था, पर थोड़ी सी संपदा के चक्कर में, थोड़े से धन के चक्कर में वो ब्राह्मण भी थोड़ा सा लोभ आया और लोभ के चक्कर में अपने कर्म से वंचित हो गया। तो वो चरित्र कहां गलत है महाराज जी? एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, उस प्रवचन में एक
गांव का व्यक्ति कथा सुनने बैठा था और खड़े होकर पूछ लिया, महाराज जी पाप के बाप का नाम क्या है? महाराज जी ने पूछा, क्या पूछ रहे हो, फिर से बोलो। तो वो व्यक्ति बोला, महाराज जी हमें दशरथ जी के पिताजी का नाम मालूम है, हमें राम जी के पिताजी का नाम मालूम है, हमें कृष्ण जी के पिताजी का नाम मालूम है, हमें सबके बाप का नाम मालूम है, बस पाप के बाप का नाम नहीं मालूम, तो हमें उत्तर दे दो। तो महाराज जी भी मन में सोचे पाप का बाप, महाराज जी मन में सोचे हमने पूरी पुराण पढ़ी पर ये पाप का बाप तो हमें कहीं नहीं मिला, सारे शास्त्र भी उखाड़ कर देख लिए पर उसमें पाप का बाप मिलना बड़ा कठिन। अब पाप का बाप कहाँ से ढूंढे? तो महाराज जी ने कहा काम करते हैं, कल हम आपको बताएंगे, आप कल कथा में आना। और महाराज जी फिर प्रवचन देने बैठे और वो व्यक्ति फिर आके बैठ गया। अब जैसी कथा समापन हुई महाराज जी फिर खड़ा हो गया, महाराज सीताराम। महाराज जी बोले सीताराम, और बोलो पाप का बाप। महाराज जी बोले बाबा अच्छा पाप का बाप पीछे पड़ा। महाराज जी बोले कल बिल्कुल पक्का है कि तुमको तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अब महाराज जी ने आज भगवान को दो अगरबत्ती लगाई कि वो नहीं आना चाहिए प्रभु, क्योंकि वो फिर आएगा, फिर प्रश्न करेगा पाप का बाप। अच्छा वो प्रश्न नहीं भी करता ना तो उसका मुंह देखकर याद आ जाता है कि प्रश्न करेगा पक्का। तो पंडित जी जब निकले ना प्रवचन के लिए तो उन्होंने भगवान को दो अगरबत्ती लगाई, भगवान ये नहीं आना चाहिए। और पंडित जी जैसे ही बस कथा में आ रहे थे, प्रवचन देने आ रहे थे, वो रोड पे ही मिल गया पाप का बाप। पंडित जी मन में सोचे प्रवचन दूं कि ना दूं, बड़ा टेंशन ही। अब प्रवचन दे कि ना दे यही सोचे। अब महाराज जी फिर कथा में बैठे, उसने फिर प्रश्न कर दिया महाराज कि पाप के बाप का नाम बता दीजिए। महाराज जी फिर नहीं बोले। अब नहीं बोले तो शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज, वहीं पर एक वैश्या बैठी थी कथा में, रोज कथा सुनने आती थी, उसका मन उसका चित्त उसकी वृत्ति कथा में बड़ी रमती। जिसके मन में शिव महापुराण की कथा समा गई ना तो वो प्रयास करता है कि कुछ भी कर जहां कथा हो रही है ना, भले 40 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है, पर एक बार तो मैं चली जाऊं। जिसके मन में संकर आ गया ना तो वो छोड़ नहीं सकता, वो प्रयास करेगा कि मैं कैसे भी पहुंच जाऊं, बस कथा में एक बार मेरी हाजिरी लग जाए, संकर सुन ले बस एक बार, शिव महापुराण की कथा उस पंडाल में चली जाऊं जिस पंडाल में मुझे बिलपत्र का आनंद मिल जाए, बस उस पंडाल में मुझे पहुंच। अब वैश्य का नियम था वो कथा कभी नहीं छोड़ती थी और वो भी कथा में जाकर बैठ गई और कथा में रोज सुने वो पाप के बाप का चक्कर। और महाराज जी बस प्रवचन करें अक्षतम केशवम राम नारायणम, जैसे महाराज जी अक्षतम केशवम करें सब बैठे रहे, वही खड़ा हो जाए। अब महाराज जी भी मन में सोचे अब क्या करें, तो महाराज जी डबल से कह रहे हैं अक्षतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदर वासुदेवम हरे। तो महाराज जी हाथ हिलाए कि अभी भी पाप का बाप नहीं मिला, पर वो तो वही बस खड़ा। आज वैश्या ने कह दिया गुरुदेव आपसे एक निवेदन है मेरा, बोलिए। मैं वैश्या हूं, छुपाया नहीं, संत सदगुरु भगवान माता पिता इनसे कभी नहीं छुपाना, अपने को छुपा कर जाएंगे भी का। अगर माता पिता से कुछ छुपा लेंगे, संतों से सदगुरु से अगर छुपा लेंगे तो जाएंगे कहां भगवान से छुपा कर? बिल्कुल पीछे जाकर बैठ जाती हूं एकांत में, पर मेरा कुछ मन है आपसे कहने का, आप सुनेंगे हमारी बात? संत बोले क्यों नहीं सुनेंगे, हम तो संत हैं। बोलो क्या बात है? आप जब सुबह सुबह मंदिर जाते हो ना गुरुदेव, तो बीच में मेरा वैश्यालय पड़ता है, दो मिनट के लिए आप पांव रख देंगे ना मेरे वैश्यालय में, मेरी जिंदगी सार्थक हो जाएगी। संत बोले हम और वैश्या के घर कभी नहीं आ सकते। वैश्या कहती आज तक कोई गुरु मेरे वैश्यालय में नहीं आया, केवल चरण रखना चले जाना गुरुदेव। गुरुजी बोले राम 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 सीताराम, हम नहीं आएंगे। गुरुजी चले गए कहते हुए, वैश्या घर के बाहर रंगोली मांगोली डालकर वैश्यालय के बाहर बैठी, संत का आगमन हुआ, वहीं से वैश्या दौड़ कर गई, गुरुदेव ये मेरा वैश्यालय है, पांव रख दीजिए। महाराज वैश्या के भवन में चले गए। वैश्या ने कहा महाराज जी बैठी है? नहीं नहीं, इतना समय कहाँ बैठने का, तुमने कहा था बस पांव रख देना। महाराज जी बैठ जाइए, आपके हाथ जोड़ती हूँ, पांच मिनट बैठ जाओ महाराज जी। वैश्या कह रही है महाराज रोज गांव का व्यक्ति आपसे प्रश्न करता था कि पाप के बाप का नाम बताओ, मैं उत्तर दे रही हूं कि पाप के बाप का नाम लोभ है। तो वो जो ब्राह्मण था उसने एक गलती कर दी, परीक्षित को अगर बचाता भले पांच मुद्रा मिलती, पर मिलती ना मिलती मुद्रा, पर उस ब्राह्मण ने एक गलती कर दी कि वो परीक्षित को बचाने की जगह ज्यादा मुद्रा लेकर वापिस मुड़ गया, वापिस जहां से ब्राह्मण वापस मुड़ा था। आज भी अगर आप सुक्ताल जाएं, जहां सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी, तक्षक नाग जहां आया था इस ब्राह्मण की परीक्षा लेने के लिए, और ब्राह्मण जहां से वापस मुड़ा उस गांव का नाम है मोड़ना, आज भी उस गांव का नाम मोड़ना, वहां से मुड़ गया था वापस ब्राह्मण, वापस चला गया।
जरा सा लोभ बस वहां भरमा दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है आम के पल्लव में जो छुपा था कामदेव जब भस्म हुए वो आम के पल्लव ने मां रति से प्रार्थना करी और रति ने उस आम के पल्लव का उद्धार कर दिया। संसार सागर में अगर हमारा जन्म हुआ है, मनुष्य की अगर देह मिली है, मानव का जी शरीर मिला है, मानव की अगर योनि मिली है, 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ है मानव का शरीर, जिसको पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, हाथ जोड़कर देवता भी भगवान से कहते हैं हमें मनुष्य बनना, हमें मानव बनना। देवताओं को भी योनि नहीं प्राप्त होती, क्यों? क्योंकि वैकुंठ का भोग केवल भोग है, केवल भोग। अगर मरने के बाद बैकुंठ चले भी जाओगे तो वहां चांदी की थाली में, सोने की थाली में भोजन मिलेगा, डनलॉक का गद्दा मिलेगा, एसी का रूम मिलेगा, बढ़िया खाने के लिए सब कुछ मिलेगा, आराम से फ्रिज कूलर वॉशिंग मशीन सब मिलेगा, एसी में आप आराम से सो, डनलॉक के गद्दे पर सो। पर बैकुंठ में केवल भोग, भोगने की वस्तुएं मिलेंगी, पर बैकुंठ में भगवान का भजन मिलेगा क्या? जम के बोलिए, नहीं मिलेगा। बैकुंठ में गंगा का स्नान मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। बैकुंठ में शिव महापुराण की कथा मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। बैकुंठ में दान करने का मौका मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। बैकुंठ में भजन करने का मौका मिलेगा? नहीं मिलेगा। बैकुंठ में ना तो भजन मिलेगा, ना कीर्तन मिलेगा, ना नाम जाप मिलेगा, ना गंगा का स्नान मिलेगा, बैकुंठ में ना तीर्थ मिलेगा। बैकुंठ में अगर मिलेगा तो एक एसी का रूम मिलेगा, डनलॉक का गद्दा मिलेगा, सोने की थाली में भोजन मिलेगा, 2-4 दासियां तुम्हारा पंखा झेलेगी, पांव दबाने वाले मिलेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। बैकुंठ में लोग कहते हैं भगवान विष्णु मिलेंगे क्या? तो भगवान विष्णु से किसी ने पूछा तुम बैकुंठ में रहते हो? भगवान विष्णु कहने लगे मुझे तो फुर्सत ही नहीं, जहां कथा होती मैं तो वहां चले जाता। जब बैकुंठ अधिपति कथा सुनने के लिए पितरों के धाम में जाते हैं, कथा सुनने के लिए पांडतारा आ जाते हैं, कथा सुनने के लिए गंगा के घाट चले जाते हैं, तो भगवान कह रहे हैं बैकुंठ में फिर मनुष्य क्यों चाहता है बैकुंठ जाने के लिए? लक्ष्मी जी से पूछा तुम रहती हो क्या बैकुंठ में? लक्ष्मी जी बोली मैं जहां नारायण मां में, मैं क्या करूं बैकुंठ में? तो फिर बैकुंठ में क्या है? तो लक्ष्मी जी बोली 3-स्टार होटल 5-स्टार होटल, आराम से रहो, खाओ पियो, मौज करो, और जब तुम्हारा पुण्य खत्म हो जाए, जैसे ही पुण्य खत्म वैसे ही धक्का मार के फेंक दिया। जैसे जब तक जेब में पैसा है तो होटल के अच्छे से अच्छे रूम में, खूब कुंभ के मेले में होटल बुक करो, खूब इलाहाबाद में प्रयागराज में खूब प्रेम से रहो, और जब पैसा खत्म तो होटल वाला भी कह देगा निकलो बाहर निकलो। तो होटल वाले तो क्योंकि हमने 1 महीना का पैसा दिया था, 2 दिन तो ज्यादा रह जाते, 2 दिन क्या 24 घंटा ज्यादा नहीं रहने देगा, पैसा खत्म तो निकल कर बाहर जाओ, पैसा हो जमा करो फिर रूम में रहो। उसी तरह बैकुंठ में जितना पुण्य है उसके बल पे रह लो, जैसे ही पुण्य समाप्त चलो पांडे तारा वापिस पहुंच जाओ प्रतापगढ़। फिर कहोगे तुम जानते नहीं हो हमने सियोर वाला महाराज के मुंह से शिव महापुराण की कथा सुनी तो बहुत बड़ा पुण्य कमाया। तो भगवान विष्णु बोले पुण्य तो कमाया पर खत्म भी तो हो गया, वापिस जा नीचे बैटरी चार्ज करके आ, वापिस जा फिर कथा सुन। बड़ी मुश्किल से मिलता है ये मनुष्य का, मिलेगा बैकुंठ चाहोगे तो मिल जाएगा, पर भोग करने के लिए मिलेगा। उसमें केवल आप भगवत भजन नहीं कर सकते, आप उसमें दान नहीं कर सकते। बैकुंठ में कोई तुम्हारे सामने हाथ फैलाकर भिक्षा मांगने नहीं आएगा, कोई बैकुंठ में तुमसे ये नहीं कहेगा कि तुम गौ माता के लिए दान दो, या तुमसे ये नहीं कहेगा कि वृद्धाश्रम के लिए दान दो, या तुमसे कोई ये नहीं कहेगा कि मंदिर निर्माण के लिए दान दो। बैकुंठ में तो तुम केवल भोग भोगोगे और उसके बल पर भोगोगे जो तुमने दान करा, जो पुण्य करा, जो सत्कर्म करा। केवल एक मनुष्य की देह मिली है जिसमें हम दान भी करते हैं, हम भजन भी करते हैं, हम पुण्य भी करते हैं, हम सत्कर्म भी करते हैं, हम नाम जाप भी करते हैं। यह केवल एक मनुष्य की देह, केवल एक मानव का शरीर। इसके सिवाय कहीं सुख नहीं। 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ योनि मानव की, और उसको हम गंवा दे महाराज तो वो बेकार। आम के पल्लव के लिए रति आकर कहती है, संसार वासियों से हमारा यही निवेदन है कि आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम फोन लगाकर इतना तो कर सकते हो। कथा आ रही है, टीवी चैनल पर चल रही है, 4 बजे से 7 बजे तक चल रही है, जरूर सुनना। कोरोना महामारी चल रही है, कम से कम कथा सुनकर इस हृदय को विल पावर मजबूत होगा, कथा सुनकर अपने को एनर्जी प्राप्त होगी, कथा सुनकर हम आद्य शक्ति जगदम्बा का आराधना कर सकते हैं, कथा को सुनकर ये नवरात्रे में शंकर की कथा का अनुमोदन कर इस कोरोना महामारी से लड़ सकते हैं, इसको भगा सकते हैं, क्योंकि अपने भीतर का पावर प्रबल होना चाहिए। आधे से ज्यादा लोग हॉस्पिटल में इसलिए मर रहे हैं क्योंकि उनको भय लग रहा है कोरोना लग गया, कोरोना लग गया। बेचारा अच्छा भी हो गया तो भी मर जा रहा। किसी ने पूछा गुरुजी पिछले साल तो आया था यह कोरोना, अब की बार फिर आ गया, हमने कहा जन्मदिन मनाने आया है। अब पार्टी कितनी बड़ी करता है ये तो उसके ऊपर है, और पार्टी में कितनों को निमंत्रण देता है ये वही जान सकता है, और जो जो उसकी पार्टी में गया वो निपट गया। इसलिए निवेदन है अभी जन्मदिन पार्टी में बिल्कुल मत जाना कोरोना की, अर्थात सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखो। और आपसे भी निवेदन है जितने लोग कथा में सुनने आ रहे हो ना, कम से कम दूरी बनाकर रखना, या फिर एक लकड़ी लेके चलो इतनी बड़ी सटैया, नपती करो यहां से यहां से यहां से यहां से, जो पास में बैठा मिले तो बिल्कुल।
अरे कितना बड़ा जगह दिया है, है? कितनी बड़ी जगह है, आराम से तुम लोग तो बढ़िया चकाचक, तुम्हारी मर्जी पड़े तो एक एक पलंग भी लिया, तुम तो नहीं सोई तो कथा सुनो, इतनी बड़ी जगह, उसमें भी इतनी बड़ी जगह होने के बाद कई माताओं की आदत रहती पर बैठे की नहीं खस सके, सुनो कथा। शिव महापुराण की कथा कहती है, उस कलश पर आम के पल्लव शिव का वर है। किसका वर है ये? शंकर। 11 आम के जो पत्ते जिस डाली में लगे होते हैं, वो डाली कोमल सी डाली, 11 टुकड़े महाराज एक कच्चे सूत से लपेट कर 11 बार उसका भाग, जब उसको लपेट लोगे इस तरह से इकट्ठा करके, आगे का जो भाग है 11 बार कच्चा सूत लपेटने के बाद, जो भाग पीछे का आगे का कोई भी हो, उसको शहद में डुबा कर शिव जी को समर्पित कर दो। किस जगह पर रखना है? अशोक सुंदरी वाली जगह। अशोक सुंदरी की जगह जानते हो आप लोग, पहले भी आपको बताया है, आज फिर आपको वर्णन कर दें। जैसे ये गोल जलाधारी है, ये शिवलिंग रखा है, ये दो जहां से पानी बह रहा है बाबा के चरणारविंद, राइट में श्री गणेश जी का स्थान, लेफ्ट में कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी की जगह। शंकर भगवान की 6 लड़कियां हैं, भगवान शंकर के 13 बच्चे, 13 बच्चों में से 6 लड़कियां, उस 6 लड़कियों में से एक लड़की का स्थान, भगवान शंकर की एक बेटी का स्थान अशोक सुंदरी का स्थान सामने। पद्म पुराण में स्पष्ट किया ये स्थान अशोक सुंदरी का। शंकर भगवान की जलाधारी में पार्वती जी का हस्त कमल, ऊपर से जो एक एक बूंद पानी गिरता है, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियों का स्थान है, जया विषहरा सामरीबारी दौतली और देव। शंकर भगवान की 5 लड़कियां भगवान शंकर के मस्तक पे जल की धार गिरा रही हैं। बीच में जो अशोक सुंदरी का स्थान है महाराज, उस जगह पर शहद का मुख, जो शहद आपने भिंगोया है, उस शहद का मुख शंकर जी की ओर कर इसी चैत्र के महीने में, इन्हीं नवरात्रि में, शंकर भगवान के उस अशोक सुंदरी की जगह पर शहद का भाग शिव जी की ओर रख दें। महाराज अगर घर में संपदा की कमी हो, या कोई पैसा खा गया हो, रुपया नहीं दे रहा हो, पैसा अटक गया हो, तो उस शहद को शिव जी की ओर मुख कर उस आम के पल्लव की जो डंडी है उसको 11 डंडी को वहां रख दीजिए और उससे अपनी कामना कर आ जाइए। हो सके उस शहद में से थोड़ा सा शहद किसी रुमाल पर किसी कपड़े में लगाकर उसको रख लीजिए। जिस व्यक्ति से पैसे लेना है, जिस व्यक्ति से पैसे मांग रहे हो, उससे एक बार जाकर मिल लीजिए, एक बार उसको खबर कर दीजिए, बाबा चाहेगा भोलेनाथ तो नवरात्रि में ही पैसा वापिस आ जाएगा, अगर शिव कृपा कर देते, ये बाबा की करुणा। आम का पल्लव कोई साधारण नहीं जिसको कलश के ऊपर रखा जाता है, शिव की कृपा, जिस आम के पेड़ पर स्वयं कामदेव चढ़कर भगवान शंकर के तीसरे नेत्र द्वारा जलकर भस्म हो जाते हैं, वो आम का पेड़ साधारण नहीं हो सकता। आम के पल्लव को बाबा ने विराजमान किया। अब आया है उसके ऊपर क्या रखते हो? श्रीफल नारियल, ठीक है, नारियल कौन? अब उसका भी प्रसंग शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में बड़ा सुंदर आया, ठीक है। भगवान शंकर और पार्वती विराजमान है कैलाश पर्वत पर, भगवान शिव के मन में बात आई, शंकर भगवान ने मां पार्वती जी से कहा, ए जगत धात्री। हाँ प्रभु बोलिए, सुनो। पार्वती जी का एक नाम है हेमलता, क्या नाम है? हेमलता। कई लोगों ने पूछा कि ये जो पार्वती जी का हेमलती जो नाम है, नाम का हेमलती, अब उसको कर दिया हेमलता, है ना, तो ये माता पार्वती का हेमलती नाम किस जगह पर है? तो देवी भागवत में आता है कि जिस जगह पर शंकर भगवान ने पार्वती से एक बात कही कि हमारा मन है कि हम दोनों बालकों की परीक्षा लें, और पार्वती जी ने जब भगवान शिव से कहा कि बच्चों की परीक्षा क्या लेना, संतान अपनी है और इनकी परीक्षा हम क्यों लेना, किस लिए? मां पार्वती का जो नाम है हेमलती, हेमलता,
इसका कारण केवल इतना था कि ये अपने पति को भी ज्ञान दे देती थी। कई बार इन्होंने समझाया शिव जी को कि आप ये ना करिए, आप मत करो, इच्छा मत करो। शिव को शिव है, बुला लिया कार्तिकेय को, गणेश जी को बुलाकर कहा, बुलाकर बोले, जो पृथ्वी की परिक्रमा पहले कर कर आए वो प्रथम गिनती में पूजा जा जाएगा, प्रथम भाग उसको पूज्य ठीक है, जाओ परिक्रमा कर कर आओ। अब गणेश जी महाराज बैठ गए चूहे पर, कार्तिकेय बैठ गए मोर पर। कार्तिकेय घर के बड़े थे, उनको ये बात मान लेते, उनको ये बात का ज्ञान था। तो कार्तिकेय जी ने कहा अगर माता पिता का कहना नहीं मानेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो कार्तिकेय जी तुरंत मोर पर चढ़कर और परिक्रमा करने निकल गए। अब गणेश जी तो चूहे को बुलाए, फिर चूहा भग गया, फिर पकड़ के लाए, फिर चूहा भग गया। अच्छा, गणेश पुराण में लिखा है नंदी और भृंगी, शंकर भगवान के ये दोनों गण इतने एबले थे महाराज कि गणेश जी जब जब चूहे पे बैठते थे और नंदी और भृंगी चूहे को अपने पास खिलाने के लिए बुला लेते। इनकी आदत थी दोनों की। अब जैसे ही परिक्रमा की बारी आई तो गणेश जी को, जैसे ही गणेश जी चूहे को बुलाए और नंदी भृंगी चूहे के सामने थोड़ा सा सामान डाल दिया, बड़ी तकलीफ। गणेश जी को लगा कि आखिर कारण क्या है, तो गणेश जी ने देख लिया कि ये नंदी भृंगी ने करी है। तो नंदी भृंगी को देखकर कह दिया, आप नंदीश्वर ये अच्छी बात नहीं है, आप मेरा चूहा बार बार बुला लेते हो, तो तुम ले जाओ चूहे को जा। अब उन्होंने चूहे पर बैठ गए, बैठकर जैसे चले शंकर जी के पास में तो शिव जी को प्रणाम कर कर कहा, पिताजी परिक्रमा करने जा रहा हूं। शंकर बोले जा। अब इनको क्या मालूम था कि यहीं लगा लेगा। अब उनको क्या मालूम था कि यहीं लगा लेगा। होता है जैसे कि किसी एक दुबले पतले व्यक्ति को, कहीं मालूम पड़े सेना में सम्मिलित कर दिया उसको, बहुत दुबला पतला। और उससे कहा जाए तो अफगानिस्तान की ओर से लड़ेगा, ले ये बंदूक गोला बम का और ले जाए। और उसने कहा मेरे में इतना जुनून है कि मैं पूरे देश को उड़ा दूंगा और अफगानिस्तान को जिता दूंगा। मालूम पड़े उसको भेज दिया और इतना बड़ा बम देके भेजा, और मालूम पड़े जैसे ये बॉर्डर पे पहुंचा और तेजी से हवा चल गई तो घूम गया, मालूम पड़े वही उठाकर अफगानिस्तान पर फेंक दिया। अब जिस सेना से लड़ रहा था उसी सेना को निपटा दिया। अब सोचने में सब पड़ गए कि क्यों रे तुझे लड़ने के लिए वहां भेजा था, बम फेंकना था वहां, तो क्या गलती मेरी थोड़ी ना, बम तुम्हें वहीं के लिए लेकर गया था, पर हवा गलत चल गई, उसने उड़ाकर मुंह इधर कर दिया तो बम इधर चले। गणेश जी से पूछा कि तुमको भेजा था कि तुम पृथ्वी की परिक्रमा करने जाओ तो तुम ये क्या कर रहे हो। गणेश जी बोले पिताजी शांत रहिए और परिक्रमा लगाने दीजिए। और परिक्रमा लगाई गणेश जी महाराज ने, एक नहीं तीन, और तीन परिक्रमा लगा के सामने खड़े हो गए। पिताजी वर दीजिए। पिताजी ने पूछा काय का वर, पृथ्वी की परिक्रमा करके आया। शंकर भगवान बोले बता मेरे आजू बाजू घूम लिया और पृथ्वी की परिक्रमा कर लिया। ये होता है कभी कभी, रामचरित मानस में केवट का चरित्र आता ना, केवट ने राम जी को नाव में बिठाया, या घाट से लेके चले वह घाट पर जाए, वह घाट से वापस घुमा के ये घाट पे ले जाए, इस घाट से उस घाट पे ले जाए, उस घाट से इस घाट पे ले जाए, बड़ा बार बार घुमा दिया वो नाव। अच्छा, केवट की नाव जो अच्छी अच्छी नाव थी वो तो भगवान ने छोड़ी दी थी, वो केवट की नाव में बैठे तो वो नाव भी ऐसी थी उसमें बीच में छेद था, और लक्ष्मण जी ने कहा भी था भैया इसकी नाव में मत बैठो छेद है। राम जी बोले कितना दयालु है बेचारा, कैसा सजा, एकांत में बैठा, इसी की नाव में बैठूंगा मैं तो, बस बैठू। लक्ष्मण जी ने मना भी करा, और जैसे ही लक्ष्मण जी ऊपर चढ़े तो केवट ने अपना पिछोड़ा उतार के दे दिया, लो लक्ष्मण भैया। लक्ष्मण जी ने पूछा यह काय के लिए, कि नाव में छेद है पानी भराएगा तुम भरते जाना निचोड़ते जाना। और लक्ष्मण जी वो पानी को बार बार निचोड़ रहे बार, और वो नाव को घुमाते जा रहा है यहाँ से वहां, बार बार इधर जाए उधर जाए उधर। तो इतने में सबसे ज्यादा गुस्सा किसको आना चाहिए बोलो, लक्ष्मण को आना चाहिए कि बताओ हम तो निचोड़ के मरे जाए। लक्ष्मण जी को जो क्रोध आया तो उन्होंने राम जी को देखा, और राम जी लक्ष्मण जी की बात को जान गए, तो राम जी लक्ष्मण जी की बात को जानकर उन्होंने केवट से कहा, केवट जी प्रभु ये घाट से वो घाट से ये घाट 10 चक्कर लगा दिए, हम थक गए, पार क्यों नहीं उतारता। केवट बोला वाह प्रभु तुम 10 चक्कर में थक गए, हमें 84 के चक्कर में पड़ो, हम नहीं थके।
राम जी बोले बहुत बेकार है, उसे मुंह मिला नहीं बेटा। राम जी नीचे बैठ गए। राम जी ने लक्ष्मण को इशारे में बोला तू बोल। और लक्ष्मण जी उठ के खड़े हो गए, धनुष और बाण लेकर रुक जा, अभी तेरे प्राणों को हरता हूं, अभी प्राणों को हरता हूं तेरा। क्या समझता है तू, परेशान कर रखा है, पार क्यों नहीं करता? इतने में केवट बोले ए भैया लक्ष्मण, क्रोध तो दिखाना मत और ये समझना मत कि तुम हम तुम्हें पहचानते नहीं है, तुम पूर्व में शेषनाग, ये भगवान राम भगवान विष्णु है और ये मैया सीता लक्ष्मी जी, ये चरण दबा रही थी, ये सो रहे थे आप शेषनाग के ऊपर, हम कछुआ थे दर्शन करने आए, आपने इतनी तेज फुंकारा मर गए तो केवट बन गए, तुम्हारे फुंकार से मरे तो केवट बने और अभी भी घाटे में नहीं जाएंगे, तुम मार भी दोगे तो बेकुंठी जाएंगे, पर घाटा तुम्हारा है, हमारी कोई औलाद नहीं है, हम मर गए तो हमारी पत्नी अंतिम संस्कार भी तुमसे कराएगी और बारहवें का भोजन भी तुम्हें जिमाएगी। राम जी ने कहा लक्ष्मण नीचे बैठ जा रहे, नीचे बैठ जा तू। तब माता सीता ने कहा लक्ष्मण भाई केवट भैया पार उतारो, तब पार उतर तो यहाँ कोई प्रसंग है, परिक्रमा लगा कर आकर खड़े होकर के आशीर्वाद दे रहे, तो पूछा आशीर्वाद क्यों, तो कहा प्रभु हमने परिक्रमा करी, तो शंकर भगवान बोले आजू बाजू घूम लिया और क्या परिक्रमा करी, इसको कोई परिक्रमा करते। गणेश जी बोले और नहीं तो माता पिता में आकाश, माता पिता में पताल, माता पिता में पृथ्वी, सब तो माता पिता में ही और सब माता पिता में, इसलिए आपकी लगानी सबकी हो गई। शंकर जी खुश हो गए, शंकर जी ने आशीर्वाद दे दिया। अच्छा बच्चों पर माँ बहुत देर में खुश होती है पर पिता तुरंत पर्स खोल के 500 का नोट देते, जा माता पिता में अंतर। मम्मी पहले पूछेगी काय के पैसे चाहिए, ट्यूशन के, तो ट्यूशन के पैसे मैं दे दूंगी, पहले ट्यूशन वाली मिस का फोन तो आते मैडम का, मम्मी तू बार बार बस फोन का इंतजार कर दे, मैडम मेड से बोली पैसे लेके आना मत, पापा के पास, पापा हाँ बेटा 500 रुपये चाहिए खाई के लिए, मैडम ने मैडम ये मम्मी भी माता पूजा रहे 50 बार बोलती है इसको पैसे मत दिया करो बच्चा बिगड़ जाएगा, पहले मुझसे तो पूछा करो। इतने में पति पत्नी से बोला अरे ओ जगदम्बा कितनी बार पूछो तुझसे, तू शांति का दे देना 500 देख लेंगे जो होगा। तो शंकर भगवान ने तुरंत वर दे दिया, प्रथम गिनती में तुम गिने जाओगे तथा अस्तु। पार्वती जी को तो मालूम ही नहीं पड़ा कि कब वर देती है, तो पार्वती जी तो खड़ी हो जाएगी। अब आ गए कार्तिक, कार्तिक ने आकर कहा दंडवत करता हूं पिता प्रणाम, हम तुम्हें देवताओं की सेना के सेनापति बनाते हैं। कार्तिक की आंख से अश्रु बहे, देवताओं की सेना के सेनापति, क्या मैं प्रथम गिनती में नहीं आऊंगा? नहीं, क्यों? गणेश जी ने प्रथम गिनती में आ गए, गणेश जी ने परिक्रमा कर ली, किसकी करी? हमारी। पिताजी आपने कहा था पृथ्वी की परिक्रमा कर जो आएगा प्रथम गिनती में गिना जाएगा, तो पहली परिक्रमा पृथ्वी की तुमने करी, पर गणेश ने नहीं। पार्वती जी उड़ गई, क्या बात है कार्तिक, कार्तिक ने कहा माँ पिताजी ने गलत निर्णय दे दिया। क्या गलत निर्णय दिया? गणेश जी को प्रथम गिनती में दे दिया और मैं परिक्रमा कर आया, सारी बात मालूम पड़ गई कि गणेश जी ने चूहे पर बैठकर शंकर पार्वती की परिक्रमा करी, ये हुआ वो हुआ सब मालूम पड़ गया। पार्वती मैया की आंख में से आंसू बहने लगा, पार्वती उठकर खड़ी होकर शंकर भगवान से बोली प्रभु बहुत भोले हो आप, इसलिए आपका नाम भोला शंकर है, बहुत भोले, एक बेटे को भेज दिया पृथ्वी की परिक्रमा करने और दूसरे बेटे ने आपकी परिक्रमा करी और आपने उसे वर प्रदान कर दिया, इतने भोले, पुत्रों में भेद कर दिया। पिता भले कह देता है, बाप कह देता है मेरा बड़ा बेटा थोड़ा समझदार है, मेरा छोटा बेटा ऐसा है, मेरा मंजला बेटा ऐसा है, पिता कह देगा, पर मां हमेशा कह देगी नहीं नहीं मैंने बराबर का दूध पिलाया है, मेरे 4 बेटे 5 बेटे 6 बेटे 7 बेटे 3 बेटे 2 बेटे मेरे सब बराबर, ये माता का शक्ति। मां कभी अपने बच्चों में भेद नहीं, पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी हूं माता, माँ कभी कुमाता नहीं सुनी, पूत कपूत हो सकता है पर माँ माँ है। जगत जननी माँ पार्वती खड़ी हो गई और इस कथा से बहुत सीखने को मिलता है सर, शिव महापुराण का यह चरित्र बहुत सिखाने का लिए है कि माता पिता की दृष्टि में कभी बच्चों के प्रति भेद न करना, कभी मत कहना माँ से निवेदन है कि मेरा बड़ा बेटा अच्छा कि छोटा अच्छा, मंजला अच्छा कि संजला अच्छा, कभी मत कहना, क्यों? क्योंकि गेंद कभी भी किसी भी पाले में जा सकती है और किसी भी बहू से पाला पड़ सकता है,
कमी मत करो, आपके चार पांच बच्चे हैं, आप हमेशा अच्छा बोलो मेरे बच्चे सब बढ़िया, बड़ा बेटा बहुत बढ़िया, बड़ी बहू बहुत बढ़िया, छोटी बहू बहुत बढ़िया, उससे छोटी बहुत बढ़िया, उससे छोटी बहुत बढ़िया, क्यों अपने को करना क्या, जिस बहू के यहाँ जाओ रबड़ी खाओ वापिस आ जाओ, हमें बुरा भला करना, बहुत बढ़िया अच्छा। बहुत जोरदार सा, बहुत मेरी बड़ी बहू बहुत बढ़िया, क्या जोरदार कपड़े सिलती है, क्या जोरदार दाल बगाड़ती है, छोटी बहुत बढ़िया बच्चों को पढ़ाती है, इतनी बढ़िया पढ़ाने में सब बच्चों को लेके बैठ जाती, पढ़ा लेती है, उससे छोटी क्या मांडना मांडती, क्या कपड़े सिलती, उससे छोटी वो भी बहुत जोरदार भोजन पकवान बनाती, जब माँ तारीफ करे तो उसके लिए सब सब, जैसे शंकर भगवान कहाँ रहते हैं, जम के बोलिए शमशान, शमशान शिव जी का धाम, जहां पर सबकी शान सम है उसी का नाम सम शान है, शमशान में जो जाते